तो आज हम इस सिलाई मशीन के बारे में बताने वाले हैं आपको। लेफ्ट साइड से इधर से डलता है, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। लोग बाग क्या करते हैं, इधर से उल्टा धागा डाल देते हैं। एक्सीलेटर मिलेगा, इस तरह का एक्सीलेटर होगा, छोटा सा, और इसे सुई के अंदर डालना है, उसमें धागा राइट साइड। तो आज हम इस सिलाई मशीन के बारे में बताने वाले हैं आपको। मिनी वाई सिलाई मशीन जो है, प्लास्टिक की बॉडी में आती है, छोटी सी मशीन है। आप सबसे पहले मैं आपको इसका ये जो धागा है इसको डालना बताने वाला हूँ, और उसके बाद इसके कनेक्शन किस तरह से इस चढ़ाई जाती है, किस तरह से कनेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो धागा है यहाँ पे, ये बोबिन यहाँ पे लगा दीजिए आप। यहाँ से धागा इस वाले इसमें से पिरा के इस पर एक बार इसमें से निकाल दीजिए, इस तरह से। ये ऐसे इसमें से ऐसे निकल जाएगा। इसमें गांठी मत लगाइएगा, बहुत सारे लोग क्या गांठी लगा देते हैं। जब इसमें आप गांठी लगा देंगे तो धागा चलेगा नहीं, रनिंग नहीं आएगी धागे की। तो गांठी ना लगाए, धागा इस तरह से ऊपर से इसमें सिर्फ इस तरह से फंस जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे वाले होल है, इस होल में से धागे को निकाल के सीधा यहाँ पे आपको इस वाले में डाल देना है। इससे धागा डालने के बाद में आपको ये धागा फिर इसमें डालना है। यहाँ से धागा डालने के बाद में इस छेद में डालना है, और इस छेद से डालने के बाद में धागा आपको सुई के अंदर डालना है, यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, हम लोगों की जो मशीन होती है नॉर्मल मशीन, उसमें धागा राइट साइड से डलता है इधर से, लेकिन इस मिनी मशीन के अंदर धागा लेफ्ट साइड से इधर से डलता है। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। लोग बाग क्या करते हैं, इधर से उल्टा धागा डाल देते हैं, फिर मशीन में गड़बड़ हो जाती है, मशीन में धागा फंस जाता है, और दिक्कत परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है। मशीन आपकी नहीं वर्क करती, मशीन नहीं चलती। चलिए अब दूसरी बात करते हैं इसके कनेक्शनों की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो होल दे रखे हैं। तो पहला होल तो इसके अंदर आपके ये इस तरह का एक अडेप्टर देंगे, इस तरह का एक अडेप्टर आपको मिलेगा, इस तरह का अडेप्टर होगा। और इस अडेप्टर का जो पहला होल है ये लगेगा, ये यहाँ पर लगेगा, ठीक है। दूसरा इसके साथ में आपको एक एक्सीलेटर मिलेगा, इस तरह का एक्सीलेटर होगा, छोटा सा, और उसके अंदर ये दो पिन होगी, ये वाला जो एक्सीलेटर जो है ये यहाँ पर लगेगा, ठीक है। उसके बाद में मशीन का जो है इसको आप इलेक्ट्रिसिटी में लगा सकते हैं। जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लगा दिया है, तो आप सबसे पहले जो है यहाँ पे बटन के बारे में बता दूँ आपको। इसमें एक बटन है बल्ब का, जैसे आप इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे एक बल्ब इसके अंदर यहाँ पे जल जाएगा, ये बल्ब, ठीक है। जिस बटन को बंद करके, बल्ब बंद है, इसको दबाएंगे तो बटन चालू हो जाएगा, बल्ब चालू हो जाएगा, ठीक है। बल्ब के चालू होने के बाद में इसमें दो बटन और दे रखे हैं उन्होंने, एक तो है रेगुलर, इसको ऑन कर देंगे तो रेगुलर मशीन चलती रहेगी, ठीक है। बीच वाला बटन इसको ऑन कर देंगे तो टैप, मतलब अब आपका जो है मशीन खाली इसको इसको एक्सीलेटर को दबाएंगे तब मशीन चलेगी। जैसे एक्सीलेटर हम दबाते हैं तो मशीन चलेगी, तो ये इस तरह से काम करेगी पूरी की पूरी। जो है इसका मैंने आपको बता दें किस तरह से इसकी, सबसे पहली बात तो आपको मैंने बता दें कि इसके अंदर धागा किस तरह से डलता है, दूसरी बात इसको कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, तीसरी बात बहुत सारे लोग बोबिन केस के बारे में मेरे से इसके बारे में पूछते हैं कि बोबिन केस किस तरह से लगता है, और बोबिन के जो धागा है वो ऊपर नहीं आ रहा है, तो ये सब तरह की दिक्कत बताते हैं। तो बोबिन को लिए आप इसको जैसे इसमें से खोलेंगे, इसको इस डिब्बे को इस तरह से खोल दीजिए। खोलने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कि बोबिन यहाँ पर रखी हुई है अंदर, और इसको अगर बोबिन को उठाना है तो आप यहाँ पर हाथ रख के इस बोबिन को इस तरह से उठा सकते हैं, ठीक है। अब बोबिन को निकाल लेते हैं हम बाहर, बोबिन का एक्स्ट्रा धागा है जो इसको तोड़ देंगे, और उसके बाद बोबिन को सिंपल से इस तरह से इसके अंदर रख देंगे बोबिन को, ठीक है। और धागे को अपने को यहाँ पे ले आएंगे, इसमें से निकाल लेंगे बाहर। ये ध्यान रखिएगा, धागे को इसमें से निकालना है बाहर, अगर आपने धागा इसमें से नहीं निकाला तो धागा फिर ये ऊपर नहीं उठाएगी। आप कहते हो कि मशीन धागा नहीं पकड़ रही है, धागा इसलिए नहीं पकड़ रही क्योंकि आप धागा यहीं से निकाल देते हैं, इधर से उधर से, धागे को आपको यहाँ से निकालना है बाहर। उसके बाद में आपको एक कवर इसके अंदर एंटर करना है, इसका ढक्कन जो है इसको इस तरह से बंद कर देना है, और जब उसके बाद आप मशीन चलाओगे तो मशीन आपका धागा को ले आएगी। जैसे आपने बटन दबाया ये धागे को देखो, मशीन ये धागा ले आई बोबिन में से, ये धागा ये आ गया। आप लोग बोलते धागा ऊपर नहीं आता, आप धागा बोबिन के सही से नहीं लगा रहे हो, जिसकी वजह से धागा ऊपर नहीं आ रहा। ये देखिए आपके सामने धागा ऊपर आया मशीन के अंदर। तो मशीन में यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। मशीन की पहले भी मैं दो वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फाइल के बारे में मैंने बताया है, मशीन के अंदर किस तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक फाल्ट आ जाता है जिसकी वजह से मशीन स्टार्ट नहीं होती, और दूसरा मशीन के अंदर नीचे गरारियों के अंदर धागा फंस जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। पहले धागे का अगर फंस जाता है तो किस तरह से उसको खोलना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को जाके देख सकते हैं और धागे की प्रॉब्लम को एकदम सॉल्व कर सकते हैं, अंदर धागा अगर फंस जाता है।
दूसरी बात मैंने इसके बारे में इस मशीन के अंदर आपको मेन चीज आपको बता दी है, मेन चीज ये है कि अगर आप धागा सही से नहीं डालेंगे तो मशीन आपकी काम नहीं करेगी, बिल्कुल भी काम सही से नहीं करेगी। अगर आपने धागा प्रॉपर डाला है, बोबिन के सही से अंदर बैठा है, तो मशीन आपकी फर्स्ट क्लास काम करेगी, कोई सा भी कपड़ा आप आराम से सिल सकते हैं इसमें। ध्यान दीजिए, जो महिला मेरे वीडियोस पे आगे कमेंट करती हैं कि मशीन धागा नहीं उठा रही है, तो उसकी सबसे बड़ी कारण होता है कि आप धागा सही से नहीं डाल रहे हैं, जबकि हमारी जो नॉर्मल मशीनें होती है उसके अंदर राइट साइड से धागा डलता है, इस मिनी मशीन के अंदर लेफ्ट साइड से धागा डलता है। ठीक है, बोबिन केस के अंदर जो धागा बोबिन को लगाया जाता है, कटपट करके कोई आवाज नहीं आती, इसके अंदर खाली बोबिन ऐसी लग जाती है और धागा पीछे की जगह इधर उधर की जगह आगे की तरफ से दरार दी गई है, यहाँ से यहीं से आपको उस धागे को निकालना है। यदि आपने उस धागे को यहाँ से नहीं निकाला है तो धागा ऊपर नहीं आएगा और सिलाई नहीं होगी। अगर और कोई क्वेश्चन आपके पास में हो मशीन से रिलेटेड, हो मशीन में आपको और भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उसके बारे में आप मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो, मैं आपको और भी बता दूंगा। बाकी मैंने अभी तक मैंने पूरा का पूरा आपको समझाने की कोशिश करी है इस मशीन के अंदर क्या है क्या नहीं और किस तरह से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यदि कोई दिक्कत फिर भी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और अच्छे एक्सपेरिमेंट के साथ। Oh, 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 oh